जिस फैक्ट्री में विस्फोट हुआ वहां पे क्या बनाया जाता था वो मैं आपको एक्सप्लोजिव दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे इस एक्सप्लोजिव को बना करके पैक किया जाता था, और जो एक्सप्लोजिव बनाया जाता था वो कुछ इस तरीके के शेप में रहा करता था। इस ठीक है, तरीके के शेप में उसको लिक्विड फॉर्मेट में बनाया जाता था और दिखाया जाता था। आज फैक्ट्री प्रबंधन और पुलिस विभाग के अधिकारियों के माध्यम से पता चला है कि सुबह लगभग 18 लोगों की ड्यूटी लगी थी। सुबह 6:30-7 बजे जैसे ही हादसा हुआ, फैक्ट्री से जलने की चीज़ें आई। कौन-कौन ड्यूटी पे हाँ, फैक्ट्री से जलने की चीज़ें आई तो लोगों ने भागना शुरू कर दिया। कौन कौन ड्यूटी पर मौजूद थे उन लोग का नाम मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे फैक्ट्री का रजिस्टर रखा हुआ है, वॉकी टॉकी है, आने जाने वाले लोग की जानकारी है, और कितना एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई हुई है। यहाँ पे विस्फोट हुआ, लोगों का चीथड़े, घटना स्थल से आधा किलोमीटर दूर जाके करे। फैक्ट्री के कुछ उपकरण थे वो यहाँ से पास से गुजरे हाई टेंशन लाइन में जाके चिपक गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने यहाँ आना शुरू कर दिया, मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। कितने लोगों की मौत हुई, अभी डिप्टी सीएम ने यह जानकारी दी है कि अभी तक हादसे में एक लोग के मरने की जानकारी सामने आई है। लोगों का अवशेष मलबे से बाहर निकाला जा रहा है, अधिकृत पुष्टि शाम को करने के बाद पुलिस महकमे के अधिकारी कह रहे हैं। देखिए, ये बड़ी विस्फोट हुई है। मलबे का ढेर लगा हुआ है, मलबा हटाने का काम चल रहा है। मलबे में क्या निकलता है इस पर निर्भर करेगा।